मूवी के शुरुआत में हम हेनरी को देखते हैं जो अपने फादर और बड़े भाई एंगस के साथ न्यूजीलैंड में शीप फार्मिंग करता है। हेनरी के फादर हेनरी की काबिलियत को देखकर उस पर बहुत प्राउड फील करते हैं, मगर एंगस को ये पसंद नहीं था। एंगस हेनरी की खास भेड़ को कुल्हाड़ी से मार देता है। जब हेनरी वापस आता है तो वो भेड़ को ढूंढते ढूंढते वेयर हाउस पहुँचता है। वहाँ एंगस उसकी भेड़ को मारकर उसकी खाल पहनकर हेनरी को डराता है, जिससे हेनरी बहुत डर जाता है। बाद में उनकी हाउसकीपर मिसेस मैक यहाँ आकर बताती है कि एक एक्सीडेंट में उनके फादर की डेथ हो गई है। इन दोनों इंसिडेंट का हेनरी पर बहुत असर होता है, जिससे वो भेड़ों से बहुत ज्यादा डरने लगता है और फिर वो भेड़ों की खेती छोड़कर शहर रहने चला जाता है। कहानी 15 साल आगे बढ़ती है। हेनरी अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को एंगस को बेचने के लिए वापस लौटता है। वहाँ हेनरी को वही हाउसकीपर मिसेस मैग मिलती है, जो हेनरी को देखकर बहुत खुश होती है। फिर हेनरी अपने भाई एंगस से मिलता है और सीधा प्रॉपर्टी की बात करता है। एंगस हेनरी को चेक देता है। हेनरी फार्म के मैनेजर टकर के साथ फार्म देखने जाता है। सीन शिफ्ट होता है हम दो एक्टिविटीज जिनका नाम ग्रैंड और एक्सपीरियंस है। ये दोनों किसी जेनेटिक लैब पर नजर रख रहे थे जो एंगस के कहने पर चलाई जा रही थी। यहाँ पर भेड़ों पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे और फेल एक्सपेरिमेंट को गड्ढे में फेंक रहे थे। ग्रैंड डिस्पोज फेल एक्सपेरिमेंट की जाल को लेकर निकल जाता है ताकि इस लैब को बंद करा सके, लेकिन ये लोग ग्रैंड का पीछा करने लगते हैं। तभी वो जाल गिरकर टूट जाता है, जिसमें से एक जेनेटिक हाइब्रिड भेड़ निकलकर ग्रैंड को काट लेती है। ग्रैंड किसी तरह खुद को बचाकर भेड़ को फेंक देता है। वो भेड़ रेंगते हुए जंगल के बाहर निकल जाती है और एक नॉर्मल भेड़ को काट लेती है। इधर टकर हेनरी को फार्म हाउस घुमा रहा था, तभी एक्सपीरियंस वहाँ आ जाती है और उन दोनों पर गन पॉइंट करती है। एक्सपीरियंस ग्रैंड को ढूंढ रही थी। उधर ग्रैंड उस भेड़ की काटने की वजह से इन्फेक्टेड हो रहा था, वो बदल रहा था, वो एक खरगोश को जिंदा ही खा जाता है। भेड़ के काटने से ग्रैंड इन्फेक्टेड हो गया था और एक एनिमल भी बन गया था। इधर टकर एक्सपीरियंस से गन छीन लेता है और फिर हेनरी एक्सपीरियंस को अपने बारे में बताता है। वो बताता है उसका नाम हेनरी ओल्डफील्ड है। नाम सुनते ही एक्सपीरियंस समझ जाती है हेनरी एंगस का ही भाई है। एक्सपीरियंस हेनरी को एंगस के लैब में चलाई जा रही गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती है जो भेड़ों पर किए जा रहे थे। अभी टकर को एक घर से धुआं निकलते दिखाई देता है। ये तीनों वहां जाते हैं। वहां पहुंचकर ये देखते हैं उस घर का मालिक खून से लथपथ मरा पड़ा है। तभी एक भेड़ इनकी तरफ बढ़ती है। टकर उस भेड़ को गोली मार देता है और वो भेड़ वहीं मर जाती है। वहाँ पे और भी भेड़ थी मगर वो इन्फेक्टेड नहीं थी, लेकिन हेनरी उन सबसे डरता है। ये लोग कार तक पहुँचते हैं और घर के लिए निकलते हैं। तभी एक इन्फेक्टेड भेड़ आकर टकर के पैर में काट लेती है। ये लोग कार से कूद जाते हैं और कार भेड़ के साथ खाई में गिर जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ डॉक्टर रजबाकी डॉक्टर से फेल एक्सपेरिमेंट को डिस्पोज करने को कहती है। एक डॉक्टर उन्हें फेंकने जाता है, तभी वहाँ दो भेड़े आ जाती हैं जो इन्फेक्टेड थी। वो भेड़ इस डॉक्टर पर अटैक कर देती है और उसे मार देती है। इधर एंगस को हेनरी के कार ड्राइवर दिखाई देता है। वो समझ जाता है हेनरी शहर वापस नहीं लौटा है। वो हेनरी को ढूंढने निकल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में ग्रैंट आ जाता है। एंगस ग्रैंट से रास्ते से हटने को कहता है, लेकिन ग्रैंट एंगस के हाथ में काट कर भाग जाता है। इधर ये तीनों एंगस के लैब की तरफ जा रहे थे। टकर के पैर में दर्द होने लगता है। वो अपना जूता उतार कर देखता है तो उसका पैर भेड़ की तरह हो रहा था। अभी उनकी तरफ बहुत सारी इन्फेक्टेड भेड़ आ रही थी। ये तीनों भागकर लैब में घुस जाते हैं। इन्हें लैब में भेड़ दिखाई देती है जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। टकर लैब के इंचार्ज डॉक्टर रश पर गन पॉइंट करता है। तभी वहाँ एंगस आ जाता है। हेनरी एंगस को बताता है भेड़ें आक्रामक हो रही हैं, हमला कर रही हैं, पर एंगस और डॉक्टर रश ये बात नहीं मानते क्योंकि उन्होंने अभी तक भेड़ों को अग्रेसिव होते नहीं देखा था। तभी डॉक्टर रश टकर के बेहोशी को इंजेक्शन लगा देते हैं। एंगस टकर की गन छीन कर हेनरी पर गन पॉइंट करता है। टकर इन्हें यहाँ से भागने को कहता है। ये लोग बाहर भागते हैं। अभी इन्हें बहुत सारी भेड़े घेर लेती हैं और ये लोग उसी गड्ढे में गिर जाते हैं जिसमें फेल एक्सपेरिमेंट फेंके जाते हैं। ये लोग बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी इन्हें इन्फेक्टेड भेड़ की आवाज़ आती है जो इनकी तरफ बढ़ रही थी। इन्हें एक छोटी सी सुरंग दिखाई देती है और ये उससे बाहर आ जाते हैं। बाहर इन्हें एक इंसानी भेड़ दिखाई देती है जो और कोई नहीं ग्रैंड था। अब वो पूरी तरह से भेड़ बन गया था। ग्रैंड इन पर हमला कर देता है। ये तीनों ग्रैंड को फार्म हाउस में बंद करके भाग जाते हैं। दूसरी तरफ एंगस बहुत से बिजनेसमैन को प्रेजेंटेशन दिखा रहा था जिसमें वो अपने लैब में की गई जेनेटिक भेड़ दिखाता है। ये भेड़ें सफल एक्सपेरिमेंट थी, ये भेड़ें इन्फेक्टेड नहीं थी। फिर ये भेड़ें जोर से चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर बाकी इन्फेक्टेड भेड़ें इनकी तरफ आ जाती हैं और वहां आए लोगों को मार देती हैं और खाने लगती हैं। पर ये भेड़ें एंगस को कुछ नहीं करती क्योंकि ग्रैंड की काटने की वजह से एंगस भी इन्फेक्टेड हो गया था। उधर डॉक्टर रश ने इस इन्फेक्शन की दवा बना ली थी। डॉक्टर रश टकर को इंजेक्शन दे देती है। टकर बिल्कुल ठीक हो जाता है। डॉक्टर रश एंगस को दवा देने जा रही थी तभी रास्ते में एक इन्फेक्टेड भेड़ उसे मार देती है। इधर हेनरी और एक्सपीरियंस मिसेस मैक के घर पहुंचते हैं। तभी वहां ग्रैंड आ जाता है। मिसेस मैक उसे शूट करने वाली, एक्सपीरियंस डंडे से मारकर ग्रैंड को बेहोश कर देती है। ये लोग घर के बाहर देखते हैं तो वहां बहुत सारी इन्फेक्टेड भेड़ थी। तब मिसेस मैक का ध्यान हेनरी के हाथ पर पड़ता है जिसपे काटने का निशान था, मतलब हेनरी भी इन्फेक्टेड हो गया था। ये लोग पीछे के रास्ते से निकलते हैं। अब हेनरी एंगस को रोकने का फैसला करता है
और एक्सपीरियंस और मिसेस मैक को सेफ जगह जाने को कहता है। फिर एक्सपीरियंस हेनरी को किस करती है क्योंकि वो भी उसे पसंद करने लगी थी। हेनरी भेड़ की खाल पहनकर भेड़ों के बीच से जाने लगता है मगर तभी उसकी खाल उतर जाती है मगर कोई भेड़ उसे कुछ नहीं करती। हेनरी समझ जाता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। उधर एंगस एक प्लेन में अपनी बनाई भेड़ों के साथ भागने की प्लानिंग कर रहा था मगर इन्फेक्शन से एंगस पूरी तरह से इंसानी भेड़ बन चुका था। हेनरी वहां पहुंचता है। एंगस हेनरी को मारने वाला था मगर वो प्लेन के पंखे में फंस जाता है और खुद ही घायल हो जाता है। तभी टकर हेनरी के पास आकर उसे दवा दे देता है और हेनरी बिल्कुल ठीक हो जाता है। एंगस अभी भी जिंदा था। वो भेड़ के पास जाता है और भेड़े उसे खा जाती हैं। ये भेड़े मीथेन गैस छोड़ रही थी। हेनरी उन पर लाइटर फेंकता है और ये सारी भेड़े वहीं जलकर मर जाती हैं। आगे हम देखते हैं टकर बाकी भेड़ों और इन्फेक्टेड इंसानों को दवा देता है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। ग्रैंड भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। हेनरी फिर से भेड़ों की फार्मिंग करने लगता है और टकर और एक्सपीरियंस उनके साथ रहने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।